हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसएस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 5 का 9, पार्ट 9। ओके ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने अपना सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है 1 से 8 तक, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर जाके देखें, आपको सारा क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 9, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बच्चों, तो पूरी तरह से वीडियो को देखें। 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है। आप पूरा देखें और आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने से, मेरे बताने से आप समझ सकते हैं, सीखते हैं, तब सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं कहना है कि आप फटाक से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। लेकिन पहले देखें तो सही, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, हम लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत लंबा सा लिखा हुआ है आपके बुक में, आप लोग बुक में देखेंगे प्रूव दैट। तो ये एक्चुअली वही है, प्रूव दैट करना, यानी LHS से RHS या RHS से LHS, मतलब प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे 9 नंबर को। तो ये बुक में आपके हिंट भी दिया हुआ है कि LHS और RHS सेपरेटली हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे और देन RHS को करेंगे। जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएगा हम लोग वहीं पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो देखिए, आपने अगर मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो जिसमें हम लोग LHS से RHS तक आते हैं, वहाँ LHS से स्टार्ट करते हैं और नीचे हम लोग लिखते हैं RHS प्रूव्ड। लेकिन जब हम लोग अलग अलग बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं लास्ट में LHS इक्वल टू RHS, ओके। तो चलिए, ये तरीका है एग्जामिनेशन में लिखने का भी, कि कैसे आप मार्क्स सटीक तरीके से आता है, कैसे मार्क्स नहीं कटेगा। क्वेश्चन सब लोग बना के आते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं बना के आते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्या है, मार्क्स किसी का बहुत अच्छा आ जाता है, किसी का बनाने के बाद भी कम होता है। तो उसका रीजन है कि कहीं आपने इक्वल टू का निशान छोड़ दिया, कहीं आपने कुछ लिखना छोड़ दिया, क्या तरीका है लिखने का, ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन में मायने रखता है बच्चे। आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपने सिर्फ पीछे में सॉल्व कर लिया देन यहाँ पे टिक, ओके, वैसा नहीं है। तो आपको तो सारा स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसलिए चलिए, अब बहुत लंबा हो जाएगा बातचीत, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे। LHS इक्वल टू क्या है हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और क्या है, sec a माइनस cos a, ओके। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सोचते हैं, पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं। तो देखिए, cosec a और sin a दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो चलिए यहाँ sec a और cos a है तो ये भी अपोजिट है, तो फटाक से इसमें एक दिमाग तो हम लोग लगा ही सकते हैं कि इसको अपोजिट कर लेते हैं, इसको sin a लिख देते हैं। अब दोनों सेम सेम हो जाएगा, sin a, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉस ए कर दिया माइनस कॉस ए, अब एक जैसा हो गया, साइन ए कॉस ए कॉस ए। अब हम लोग फिर सोचेंगे कि क्या किया जाए, तो क्या है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए एलसीएम हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और क्या हो जाएगा, साइन ए कट गया तो 1, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए को तो साइन ए आएगा, और फिर साइन ए में मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन ए स्क्वायर ए हो गया ना। इधर क्या करेंगे, फिर उसी तरह जस्ट लाइक सेम टू सेम कॉस ए यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बताइए समझ में, इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब इसको समझना है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या है, ये नहीं कुछ है तो ये मल्टीप्लीकेशन का निशान है ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग तो आइडेंटिटीज़ में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए क्या है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए होगा ना। तो बस यहाँ पे देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख दिया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो देखिए दो साइन ए है, एक साइन ए कट गया, एक कॉस ए है, दो कॉस ए है, कट गया। तो क्या हो गया हमारा, ऊपर एक कटा है तो एक कॉस ए बच गया और इंटू एक साइन ए भी बच गया। अब इसके आगे हम लोग इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग चलेंगे आरएचएस को लिखेंगे। आरएचएस बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए दिया है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहली बात कि इसमें सोचेंगे कर क्या सकते हैं भाई। तो देखिए इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, कि वन बाई टेन ए के जगह लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। टेन ए के जगह पे साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट जस्ट उसका अपोजिट होता है टेन का, तो यहाँ कॉस ए बाई साइन ए हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन तो है ही और नीचे देखिए कॉस ए और साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए है ना, दोनों अपोजिट है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में आ गया। एलसीएम जस्ट जैसे लेते हैं तो उसी तरीके से किया, तो कॉस ए कट गया, तो साइन ए इंटू साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, तो कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा। हाँ तो अब देखिए अब क्या होगा, ये चीज़ ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो कॉस ए इंटू साइन ए बटे कितना बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या है, नीचे जो है देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन होता है ना, तो क्या हो गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए बाई वन यानी कॉस ए इंटू साइन ए आया, सेम सेम है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मान लिया, इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, जब एलएचएस को हम लोगों ने सॉल्व किया तो जो टर्म आया, आरएचएस को सॉल्व किया तो जस्ट सेम टर्म आया है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात आई समझ में, तो कोई मेहनत नहीं है, बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं भूलना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे आप तो आगे, और देखिए बच्चे सब्सक्राइब करें और जो भी है कमेंट करें, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क करूँगी, आपको बताऊँगी और मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे जुड़कर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।